नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूर्णिमा की आवाज चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ससुराल आए पिता की बेइज्जती होती देख बेटी ने सास ससुर को सिखाया ऐसा सबक कि उनके होश गुम हो गए। मैं पायल, घर की छोटी बहू, अभी 6 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ। मेरे पति का अच्छा बिजनेस है। मेरे घर में सास ससुर, जेठानी, जेठ, उनके 2 बच्चों के अलावा हम दोनों पति पत्नी हैं। घर में सब अच्छे हैं। मेरी जेठानी जी भी बहुत अच्छी हैं। अगर सबसे बुरी कोई है तो वो हूँ मैं, क्योंकि मुझे किसी की गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ससुराल में आकर ऐसी हो गई हूँ। बचपन से ही मैं सीधे मुंह पर कहती हूँ, जिससे मुझे ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। मेरी माँ ने मुझे इतनी बार सिखाया कि तुम जो बोलती हो वो सही होता है, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा गलत है, इसलिए अपनी बात कहने का तरीका बदलो। मैंने कई बार कोशिश भी की पर मुझसे नहीं हुआ। कभी कुछ भी गलत देखकर या सुनकर मुझे खरी खरी बोलने की आदत है, इसलिए मुझे ससुराल वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। और 6 महीने में ही मैं एक अच्छी बहू बनने के बजाय बहुत बुरी बहू बन गई हूँ। वही मेरी जेठानी जल्द किसी को जवाब नहीं देती, चुपचाप अपने काम में लगी रहती है, तो वो सबकी प्यारी बहू है। वैसे वो सच में बहुत अच्छी हैं। उनके जैसी मैं चाहकर भी नहीं हो सकती। एक दिन सबके नाश्ता करने के बाद जब मैं अपना नाश्ता लेकर बैठी, तब तक पराठा ठंडा हो चुका था, जो खाने में अच्छा तो नहीं लग रहा था। फिर भी मैं चुपचाप खाने लगी, क्योंकि मेरे ससुराल में यही नियम है, पहले घर के सभी खा ले फिर बहुएं खाएं और ससुराल क्या। मैंने अपने मायके में भी यही देखा है। जब तक दादी थी तब तक क्या मजाल की माँ कभी दादी या पापा से पहले खा ले। वो तो दोनों से पहले चाय भी नहीं पीती थी। मन में यही सोचते हुए मैं पराठा खा रही थी कि तभी सासुमा माँ ने ताना मारते हुए कहा, अरे सबने कब का नाश्ता कर लिया और तुम घंटों से लेकर बैठी हो, तुमसे खाते नहीं हो रहा, मुंह में दांत ही नहीं है। घर के सब काम पड़े हैं और उनको खाने से फुर्सत नहीं। मुझे ये सब सुनकर काफी बुरा लगा, परंतु मैं सामान्य होते हुए बोली, क्या मम्मी जी आप खाते समय भी सुना देती हैं? कम से कम खाते समय तो ताना ना मारा करो। सबके खाने के बाद खाने बैठी हूँ। मेरी बात सुनते ही सासू माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारी जुबान सबसे ज्यादा चलती है, बाकी कुछ ही बोल कर जाने लगी। फिर पलटते हुए बोली, सुनो आकाश सोकर उठा या नहीं? मैंने कहा, नहीं मम्मी जी अभी तो नहीं उठे हैं। अरे उठाओ ना, उसके पापा ने कहा था जल्दी दुकान पर आने के लिए। ये लड़का भी ना, जब से ब्याह हुआ है एक नंबर का आलसी और कामचोर हो गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो घर और बिजनेस का कल्याण। सासू माँ ने कहा, मैं एक बार फिर बोलने लगी, तब तक मेरी जेठानी ने इशारे में चुप रहने के लिए कहा, इसलिए मैं चुप रह गई। पर सासू माँ चुप नहीं हुई। जब से इस लड़के का ब्याह हुआ है घर में ये लड़की आई है, तब से घर की बरकत बंद हो गई। इसके कदम तो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। धीरे से बन बनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। ये सब सुनकर मैं अवाक रह गई। तब तक जेठानी ने आकर कहा, शांत रहो, ससुराल में इस तरह के ताने तो सुनने ही पड़ते हैं। तुम अभी नई नई हो, इसलिए ज्यादा कुछ पता नहीं है, धीरे धीरे पता लग जाएगा, तो ये सब बातों को ज्यादा दिल पर मत लेना, जितना सोचोगे उतना दुखी होगी। एक दिन मेरी जेठानी ने आकर पूछा, आज लंच में क्या बनाओगी? मैंने कहा छोले पूरी। अरे उसे क्यों पूछ रही हो, और मुझे पसंद नहीं तो आलू गोभी की सब्जी और रोटी, यही सब बनाओ, पीछे से सासू माँ ने कहा। ठीक है, मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, तुम बना देना। ठीक है दीदी। मैं खाना बना रही थी तभी मेरे भाई का फोन आया कि मैं और पापा तुम्हारे घर के पास ही किसी काम में आए हैं, तो हम मिलने आ रहे हैं। मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ आ जाओ भैया और लंच इधर बना रही हूँ।
भैया ने कहा हाँ ठीक है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी के बाद पहली बार पापा घर आ रहे थे। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो रही थी। पापा और भैया के आने की बात मैंने सास और जेठानी को भी बताई तो, पर सास का मुंह लटक गया। शायद वे नहीं चाहती थी कि मेरे मायके वाले आए, पर मैंने कुछ नहीं कहा। जाकर चुपचाप रसोई बनाने लगी। कुछ देर में मैं और मेरी जेठानी ने मिलकर सारा खाना बना लिया। मैंने अपने पापा की पसंद की पनीर की सब्जी मिक्स और दही बड़ा भी बनाया। तब तक मेरे पतिदेव भी उठकर चाय मांगने लगे तो मैंने कहा आप इतना देर तक सोते हो और मम्मी मुझ पर नाराज होती हैं, जल्दी से दुकान चले जाओ। पापा जल्दी आने को बोल कर गए हैं। उन्होंने मेरी बात सुनकर अन्य ढंग से कहा हाँ हाँ पता है चला जाऊंगा। वो तो रोज ही जल्दी आने के लिए कहते हैं, पर लोगों की अपनी राय भी तो है। इधर रसोई में इतनी सारी चीजें देखकर जेठानी आंखें बड़ी करती हुई कहा इतना सब कुछ बिना पूछे ही बना लिया, कहीं मम्मी जी नाराज ना हो जाएं। कैसी बातें कर रही हो दीदी, भला क्यों नाराज होंगी? मेरे पापा पहली बार आ रहे हैं तो उनकी पसंद का खाना बनाना तो बनता है। नहीं तो वो बोलेंगे क्या बिटिया तुम ससुराल आकर अपने पापा की पसंद नापसंद ही भूल गए। मैंने कहा हाँ तुम सही कह रही हो, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मम्मी जी कहीं नाराज ना हो जाए। वो क्या है ना, कितने सालों में मैंने कभी भी मम्मी से बिना पूछे खाना नहीं बनाया और मेहमान के आने पर तो बिल्कुल ही नहीं। जेठानी बोली अरे ठीक है ना दीदी, नाराज भी होंगी तो थोड़ा सुन लूंगी। वैसे भी मम्मी जी मुझसे तो ज्यादातर नाराज ही रहती हैं। बोलकर मैं हंसने लगी और साथ में जेठानी जी भी। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सासू माँ रसोई में आई ये देखने के लिए कि पापा के लिए मैंने क्या सब बनाया है। वो नजरें उठाकर दौड़ा दौड़ा कर सब कुछ देखने लगी। मैंने जो कुछ बनाया था वो सारी चीजों के नाम बता दी। सुनते ही सासू माँ ने कहा सभी अपने ससुराल वालों के लिए इतना सब कुछ बनाती हो क्या? मम्मी जी लास्ट संडे को ही तो बनाया था, इतना सब कुछ रोज रोज थोड़े ना बनाती हैं। रही बात पापा की तो पहली बार आ रहे हैं, इसलिए कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। मेरी बातें सुनकर सासू माँ मुंह टेआई कर खिसियानी सी मुस्कान लेकर चली गई। तय समय से पापा और भैया दोनों आ गए। तब तक सास ने ससुर जी को भी बता दिया कि समधी जी आ रहे हैं तो वो भी घर आ गए। एक दूसरे के हाल चाल पूछने के बाद सबने एक साथ लंच किया। अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तब मैं और जेठानी भी उठकर खाना खाने आ गई। तब मेरे पापा ने पूछा समधी जी मेरी बेटी अच्छे से तो रहती है ना? उसके व्यवहार से खुश तो है ना? आप सबकी सेवा करती है कि नहीं? कोई शिकायत नहीं। पापा जी की बात सुनकर मैंने जेठानी से कहा देखना दीदी पापा जी को तो पता नहीं लेकिन मम्मी जी जरूर कहेंगी। बाकी सब तो ठीक है, बस आपकी बेटी की जुबान की तेज है। लेकिन ये क्या, पापा की बात पूरी होने से पहले ही ससुर जी ने कहा पहले ये बताइए कि कैसे आना हुआ? जी यही पास में कुछ काम था तो हम दोनों बाप बेटे आए थे तो सोचा बिटिया से और आप सब से भी मिलते हुए चलूं। वैसे भी पायल की शादी के बाद मैं आया नहीं तो उसे मुझसे बहुत शिकायत थी कि पापा आते क्यों नहीं हैं। ससुर जी बोले तो हमें खबर नहीं की कि आप आ रहे हैं। नहीं जी मैंने दामाद जी को फोन किया था और बिटिया को भी पता था कि हम दोनों ने आने की बात, क्या उसने आपको बताया नहीं? पापा जी ने कहा। ससुर जी जरा सख्त होते हुए बोले पहले ये बताएं ये घर किसका है, मेरा या आपकी बेटी दामाद का? पापा जी बोले अब कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, बेशक घर आपका है तो फिर मुझे बताकर आना चाहिए था या बेटी दामाद को? तब तो मैं सोचूं कि आखिर आपकी बेटी ऐसी क्यों है? अरे जब बाप ही ऐसा हो तो बेटी तो ऐसी होगी ही ना। समधी जी क्या हो गया और आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? ठीक है आपको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार से मैं आपको बताकर आऊंगा।
पर आप ऐसे बात मत करिए। वैसे क्या किया माया ने? क्या क्या बताऊं? कोई एक बात हो तब ना। कोई संस्कार नहीं दिया है आपने। उत्तम संस्कारीहीन है आपकी बेटी। दोनों की बातें सुनकर मैं थाली छोड़कर उठ खड़ी हुई और बाहर आने लगी, पर मेरी जेठानी ने मेरा हाथ पकड़ रोक लिया और नामे सर हिला दिया कि नहीं, तुम बाहर मत जाओ। बाहर तो नहीं गई, पर खाना बीच में ही छोड़ कमरे में आ गई, जहां से उन दोनों की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। ससुर जी अब भी बोल रहे थे। उनकी बात सुनकर पापा भाई दोनों गंभीर हो गए। कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर बोले, क्या हुआ? क्या किया है मेरी बेटी ने? आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? क्या क्या बताऊं? कोई एक बात हो तब ना। सबसे पहले तो आपकी बेटी को किसी की भी लाज नहीं है। सबसे छोटी है, लेकिन घर में बड़ों से इस तरह बात करती है जैसे वह सबसे बड़ी हो। पति को नाम लेकर बुलाती है, समधी जी। आजकल तो सभी अपने पति का नाम लेकर ही बुलाते हैं। भला ये तो कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। पापा जी की बात सुनकर ससुर जी ने तुरंत कहा, तो इसका मतलब आपकी पत्नी भी आपका नाम लेकर बुलाती है। देखिए, ये चलन आपके घर में हो सकता है, मेरे घर में नहीं। आपकी बेटी अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती, हर बात पर सवाल जवाब करती है। भला ये क्या तरीका है बहू का? हर वक्त अपने मन का करना चाहती है। अगर मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती तो ये घर कब का टूट गया होता। ससुर जी की शिकायत सुनकर मुझे तो शौक पर शौक लगा रहा था। आज तक तो मैं यही सोचती आ रही थी कि सिर्फ मेरी सास ही खड़ूस और सख्त मिजाज की है, पर यहाँ तो ससुर जी तो सास से भी दो कदम आगे हैं। मुझे उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं झटके से घर से बाहर निकली सफाई देने के लिए, परंतु मेरी जेठानी ने एक बार फिर मेरा हाथ कमरे में खींचकर बिठा दिया। क्या बेवकूफी है, तुम इस तरह बार बार बाहर जाने की कोशिश क्यों कर रही हो? दोनों के बीच में भला तुम क्या बात करने जा रही हो? जेठानी की बात सुनकर मैंने कहा, देखो दीदी, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। मैं बुरी हूँ तो थोड़ी और बुरी बनने दो। लेकिन ये सब सहन करना मेरे बस के बाहर है। जानती हूँ, पर अभी चुप रहो। वे दोनों बात कर रहे हैं ना, तो तुम बीच में मत बोलो। पर मैं फिर भी जाने लगी तो जेठानी बोली, ठीक है, जा जाकर बोल और खूब इंसल्ट करवा लें अपने भाई और पापा की। जेठानी ने गुस्से में मेरा हाथ झटकी हुई कहा तो मैं वापस कमरे में आकर बैठ गई और खूब रोने लगी। मुझे रोते देखकर मेरी जेठानी भी रोने लगी। बस इतना समझ ले कि ससुराल में पैर जमाना आसान नहीं होता। दोनों की बातें अभी भी जारी थी। अब की बार मेरी सास बोल रही थी कि अरे मेरी बड़ी बहू इतनी सुशील और संस्कारी है। क्या बताऊं, क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? वो तो बड़े खानदान की है और कंपनी के मालिक की बेटी है। जितनी उसके बाप की कमाई है उतनी आपकी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी घमंड दूर दूर तक नहीं है और एक आपकी बेटी है। अरे जिस दिन से मेरे बेटे का ब्याह हुआ है, आपकी बेटी मेरे घर में आई है, तब से मेरे घर की बरकत बंद हो गई है। बड़े अशुभ कदम है आपकी बेटी की। मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, लेकिन ब्याह के बाद तो काम करना बंद कर दिया है। मेरे छोटे छोटे पोते पोतियों से काम करवाती है। और बताऊं आपको, आपने तो हमें ठग लिया। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरी बेटी ऐसी है वैसी है, लेकिन देख लिया पिछले 6 महीने में भी असली रंग। वे कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सास ससुर के मुंह से सारी बातें सुनकर मेरे पापा ने सिर झुका लिया। ठीक है, हमें जो कहना था वो कह दिया, अब आपको बिटिया से जो बात करनी है कर लीजिए। ससुर जी ने कहा तो पापा ने मुझे आवाज लगाई, पायल बेटा बहराना जरा। मैं तुरंत निकलकर पापा के पास आ गई। गुस्से में होने के कारण आंखें लाल हो चुकी थी, जिसे देख मैं सहम गई। बेटा मैं क्या सुन रहा हूँ?
तुम्हारे सास ससुर क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में? ऐसा क्यों करती हो? बेटा, मैंने तुम्हारी माँ ने कितनी सिखाया समझाया, नहीं समझी। बेटा, ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ हर एक कदम और एक बार सोच समझ कर उठाओ और बोलो। इतनी पढ़ी लिखी हो फिर भी इतनी समझ नहीं है तो अपने माँ के दिए सारे संस्कार भूल गई। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बेटियाँ अपने व्यवहार में स्टाइल से सबका दिल जीत लेगी, लेकिन आज ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। पापा की बातें सुनकर मेरी नजरें झुक गई और सिसकियाँ निकल पड़ी। ठीक है बेटा, अभी तो तुमने जीवन की शुरुआत की है तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। चलो, अब तक जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए माफ़ी मांग लो, आगे से कोशिश करना कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। समधी जी, मैं दोनों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, कृपया मेरी बच्ची का बचपन समझ के माफ कर दीजिए, आगे से फिर ऐसी गलती नहीं करेगी। मैं जानता हूँ जरा ये तुनक मिजाजी है पर दिल की साफ है। पापा की बातें सुनकर मेरे सास ससुर ने एक शब्द नहीं कहा, बस मुंह सिकोड़ कर गुस्से में मेरी ओर देखने लगे। पापा जी बोले, चलो बेटा मेरे सामने ही माफ़ी मांग लो। मैंने कहा, पापा पहले मेरी बात सुन लीजिए। पापा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी बातें क्या सुनूं बेटा, पहले मैंने जो कहा वह करो, चलो माफ़ी मांगो अपने सास ससुर से। मैंने कहा, सॉरी पापा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। देखा क्या बदतमीज लड़की है, अपने ससुराल में मेरी नाक कटा दी फिर भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं। पापा ने अब की बार गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। ये सुनकर मैंने कहा, पापा भला आपने एक तरह की बातें सुनकर कैसे फैसला सुना दिया? माफ़ी मांगने के लिए आप सिर्फ मेरे सास ससुर की बातें सुनकर मुझे डांट रहे हैं। एक बार भी आपने क्यों नहीं सोचा कि बेटा तुम्हें भी कुछ कहना है? अगर मेरी गलती है तो भी मुझे अपनी बात रखने का हक है। आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए, फिर आपका जो फैसला होगा वो पूरी तरह से मानने को तैयार हूँ। पापा जी गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे। हाँ पापा, दीदी सही कह रही है, एक बार आप उसकी बातें भी सुन लीजिए तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। आखिर क्या बात है, मेरे भाई ने कहा तो बाबा बोले, अच्छा चलो ठीक है बोलो। मैं बोलना शुरू करती हूँ, उससे पहले ही मेरी सास उठकर जाने लगी तो मैंने कहा, मम्मी पापा आप दोनों भी यहीं बैठे रहो, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ वो आप दोनों के सामने ही कहूँगी। ठीक है बोलो, मेरे सास ससुर ने वापस बैठते हुए कहा। सास ससुर दोनों ने मुझे एक बार घूर कर देखा और वापस बैठ गए। बोलो जो बोलना है। मैं वहीं नीचे जमीन पर बैठ गई। ये देखकर मेरा भाई उठ खड़ा हुआ और अपना चेयर मुझे देकर बैठने को कहा। नहीं भाई, मैं नीचे ही बैठी हूँ, मेरे ससुराल में यह नियम है कि जब घर के बड़े सोफा और चेयर पर बैठे हों तब हमें उनकी बराबरी में नहीं बल्कि नीचे जमीन पर बैठना है। ये सुनकर सास ससुर मुझे घूर कर देखने लगे और पापा आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि जब उन्होंने इतना सब कुछ कहा मेरे बारे में तब आपने एक बार यह क्यों नहीं पूछा कि आखिर मैंने क्या गलती की है? पापा और भाई के साथ मेरे सास ससुर भी मेरी तरफ देखने लगे। ठीक है, उन्होंने नहीं बताया न ही आपने पूछा, चलो मैं बताती हूँ। सारी बातें इन्होंने लिहाज वाली बात क्यों की? आप जानते हैं क्यों? पापा पग फेरे के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि काफी पढ़ी लिखी फैमिली है, ये सब जरा खुले विचार की होंगी, आधुनिक सोच वाले होंगे, इसलिए मैंने जेठ जी और पापा जी से घूंघट नहीं किया, उनसे मैं बहुत सामान्य होकर बात करने लगी जो इन्हें नहीं भाया। परंतु ये बात उन्होंने मुझे प्यार से नहीं कहा, तब भी बहुत बुरा भला कहा, तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि ससुर जी और जेठ से घूंघट किया जाता है। और हाँ, घर में तुम सबसे छोटी हो इसलिए हमेशा सिर पर पल्लू लेकर रहोगी। तब मैंने कहा कि जब जेठ जी को भैया और ससुर जी को पापा कहती हूँ तो भला दोनों से घूंघट करने की क्या जरूरत है। सुनकर उन्होंने मुझे बहुत सुनाया।
आपके संस्कार और परवरिश में न जाने क्या क्या कहा। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने सुनकर भी एक बार भी जवाब नहीं दिया और न ही कभी सिर से पल्लू हटाने दिया। रही बात उनके बेटे के नाम लेने का, तो मैं शुरुआती दिनों से उनका नाम लेकर बुलाती हूँ, पर इसके लिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा। जैसा आज उन्होंने कहा कि क्या आपकी पत्नी आपका नाम लेकर बुलाती है, ठीक वैसे ही उस दिन कहा, क्या तेरी मम्मी तेरे पापा का नाम लेकर बुलाती है। मैंने उसी दिन से उन्हें नाम लेकर बुलाना छोड़ दिया। पर आप सबको एक बात बता दूं, इनकी बेटी यानी मेरी नंद इन दोनों के सामने अपने पति को नाम से बुलाती है और आप नहीं तुम कहकर बुलाती हैं। तभी ये दोनों हंसते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो फिर क्या संस्कार और नियम कायदे सिर्फ बहू के लिए होते हैं? तुम क्या बोल रही हो बहू? मम्मी मुझे बोलने दीजिए, आप जब बोल रही थी तब मैंने एक बार भी कुछ नहीं कहा। तब डिस्टर्ब नहीं किया तो प्लीज मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए। मुझे मत रोकिए। मेरी बात सुनकर सास नियम बनाकर चुप हो गई। अब रही बात उनकी बेटे की काम करने की, तो उनका ये कहना है कि शादी के बाद इनका बेटा कामचोर हो गया है, तो ये सरासर गलत है। बात यह है कि वह पहले से ही कामचोर है, सिर्फ कुछ घंटों के लिए दुकान पर जाते हैं, बाकी पूरा समय बाहर घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, देर रात को घर लौटना और सुबह देर तक सोना उनकी आदतों में पहले से ही है। जबरदस्ती उसका दोष मेरे ऊपर मढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो रहा हो तो उनका बेटा यहीं बैठा है, पूछ लीजिए। रही बात बरकत की, तो हो सकता है दुकान नहीं चलने की वजह इनका बेटा ध्यान नहीं देना, मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव, लोगों का ऑनलाइन और मॉल से शॉपिंग करना, इन सब का भी असर तो होता है। तो इसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो गई? मेरे कदम कैसे अशुभ हो गए? ये कहते ही कि आपने ठग लिया, पर असल में इन्होंने हमें ठग लिया। शादी से पहले हमें कहा गया था कि बिजनेस बेटे का है, बस सब वही देखते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। एक नंबर के आलसी, लापरवाह, काम से जी चुराने वाला इंसान है इनका बेटा। अच्छा ठीक है, अब बस कर चुप हो जाओ। समझ गया मैं, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूंगी, आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। नहीं तो मैं ससुराल और मायके वाले दोनों की ही नजर में बुरी बन जाऊंगी, दोषी ठहरा दी जाऊंगी। भाई ने कहा, हाँ पापा, दीदी को अपनी बात ही कहने दीजिए। पापा मैं आपसे इतना लड़ झगड़ कर बाहर पढ़ने गई, कितनी मुश्किलों से मैंने MBA की, परंतु यहाँ पर नौकरी नहीं करने के लिए मुझे कहा गया। मैंने तब भी एक बार भी जिद नहीं की। मैंने तो यही सोचा कि जीवन भर तो नौकरी करनी है, कुछ वक्त सबके साथ बिताना भी जरूरी है। तो फिर मैं कैसे घमंडी हूँ? ये अक्सर मुझे कहते हैं, तुझे अपनी पढ़ाई का बहुत घमंड है। रही बात बच्चों से काम कराने की, तो बस एक दिन मैंने खाते समय जॉनी से पानी मांग लिया। इसके लिए भी उन्होंने बहुत सुनाया कि मैं कामचोर हूँ, फिर बच्चों को सिखा दिया या न काम न करें। उसके बाद मैंने बच्चों से कोई काम नहीं करवाया। पहली बार जब मैंने देखा कि मेरी जेठानी सबसे पीछे खाती है, मैं जानबूझकर इन सबके साथ अपने भी खाने की थाली लगा ली। जानते हैं मेरे सास ससुर ने परोसी हुई थाली रखवा दी और कहने लगी कि हमारे घर में यह नियम नहीं है, तो तुम दोनों जेठानी देवरानी पीछे खाना। भला कोई ऐसा करता है या पापा? आप तो मुझे जानते हैं, मैं दादी के पुराने ख्यालात और दाख यानी सी सॉस के लिए कितनी बार उलझ जाती थी, परंतु मैं यहाँ किसी से उलझी नहीं। पर हाँ, मैंने अपनी बातें जरूर रखी। आप इनसे पूछिए कि इनके घर के नियम कायदे वैद्य अपनाए या नहीं। जिस चीज के लिए मना कर दिया, क्या मैंने उसे दोहराया? इनकी नजर में जब और जहाँ गलती हुई, हर बार माफी मांगी। फिर कैसे मैं घमंडी और संस्कारहीन हूँ? क्या मुझे किसी का लिहाज नहीं? फिर वही बातें दोहराना, मतलब उनके मन में मेरे लिए जो गुस्सा था, खुन्नस थी, वो आपकी बेइज्जती करके निकालनी थी। अब पापा की नाराजगी कम हो रही थी, वो मेरे सास ससुर से कुछ पूछने लगे,
तब तक मैंने कहा, नहीं पापा अभी रुकिए, मुझे और भी कुछ कहना है। इधर दरवाजे के कोने पर खड़ी मेरी जेठानी का रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं शायद उन्हें पिछली बातें याद आ रही थी या कुछ और बात थी। जेठानी का रोना देखकर मुझे समझ आ गया था कि शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है या मुझसे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि अक्सर बड़ी बहू से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा है ससुराल वालों को। हाँ पापा, उन्होंने कहा, मेरी जेठानी बहुत संस्कारी है। तो हाँ, वे सच में संस्कारी है, पर ये संस्करण उनके माँ बाप के दिए हैं। इन्होंने तो सिर्फ सताया है। ये तो क्या बोल रही हो? मैंने क्या सताया है बड़ी बहू? जरा बाहर निकलो। तुम ही बताओ इन्हें कब क्या कहा, क्या सताया, जबरदस्ती की? ये हम लोगों के ऊपर झूठ मूठ का इल्जाम लगा रहे हैं। वो क्या बोलेंगी? देखकर तो लगता नहीं है कि वो कभी मुंह भी खोलती होगी। सताने का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पर भी होता है, जो कि आप सबने बहुत किया है। मेरी बातें सुनकर सासू माँ बौखला गई। अरे, तुझे 6 महीने हुए नहीं और तू सब जान गई है। किसे हमने सताया? अब तू ज्यादा और गलत इल्जाम लगा रही है। मैं गलत इल्जाम लगा रही हूँ तो आप ही बताइए, क्या कभी उन्हें खुलकर जीने दिया? बोलने दीजिए, एहसास होने दिया कि तुम भी इसी घर की सदस्य हो। ये घर तुम्हारा भी है, तुम अपने हिसाब से रह सकती हो। आपको पता है पापा, किसी काम में देरी हो जाएगी या गलती हो जाएगी तो तुरंत कहती हैं कि तुम्हारा घर है, जो अच्छे से काम करो, अच्छी सी संभालो। बाकी किसी अच्छे काम के लिए कुछ कराने के लिए अपनी बेटी दामाद से राय लेती हैं। घर के किसी भी निर्णय में हम दोनों को नहीं, लेकिन अपनी बेटी दामाद को जरूर शामिल करते हैं, और अंत में होता भी वही है जो उनकी बेटी चाहती है। दामाद कहे, ये तो अपने दोनों बेटों से भी बस नाम के लिए पूछती हैं। इनकी राय कभी भी कोई मायने नहीं रखती है। हम लोग पूरा दिन कितना भी काम कर लें, एक बार तारीफ के बोल नहीं निकलेंगे। लेकिन जब भी खाना खाने बैठे, किसी न किसी बहाने थाली देखने जरूर आ जाती हैं। कहीं हमने अपने लिए ज्यादा दाल सब्जी तो नहीं रख ली, या फिर कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना लिया? हम बहुएं घर में कब सोएंगी, कब उठेंगी, कब खाएंगी, कब बाहर जाएंगी, इतनी देर के लिए जाएंगी, कितने दिन के लिए मायके जाएंगी, कब वापस आएंगी, ये सब कुछ तय करेंगी। यहाँ तक कि हम लोग इस रंग के कपड़े पहनेंगी, यही तय करती हैं, और हम मान भी जाते हैं, और तब ये कहती हैं कि मैं उसकी बात नहीं सुनती और सिर्फ एक ही वजह से घर टिका हुआ है। कैसे पापा, सिर्फ उनकी वजह से यह घर चल रहा है? बहू बहुत ज्यादा बोल रही हो। बस चंदन जी, बोलने दीजिए, बस यही तो मेरी बेटी की खासियत है, गलती रही तो स्वीकार करती है। अगर गलती ना रहे फिर डरती तो ये अपने माँ बाप से ही नहीं है, यानी कि मुझसे भी उलझ पड़ती है। पापा ये सब बात तो बस मैंने इनके इल्जाम का जवाब दिया है, इसके अलावा उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है ये बताती हूँ। बस कर बेटा, चुप हो जा, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। ये सुनकर शायद मैं बर्दाश्त न कर पाऊँ। बस एक बात बता देती हूँ, जब से मेरी सास को पता चला कि मैं बाहर अकेली रहकर पढ़ाई पूरी की है, तब से हर वक्त बात को ऐसी घुमा फिराकर मुझसे पूछती हैं, ताकि मैं स्वीकार करूं कि शादी से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर था और यह मेरी चरित्र पर उंगलियां उठा सकें। सुनते ही मेरे पापा की आंखों में खून उतर आया। मेरी सास भी काफी सकपका गई। ऐसे लोग हैं, आपकी कैसी सोच है? मैंने तो सोचा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा नाम है, रुतबा है तो सोच भी अच्छी होगी। मेरी बेटी सुखी रहे, लेकिन इतनी घटिया सोच है आपकी। पता होता तो अपनी बेटी को आप घर में कभी नहीं देता। अभी के चल बेटा, यहाँ से तुमने इतना कुछ बोला है, अब अगर इस घर में रही तो तेरी बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि मेरे बहू नहीं कठपुतली चाही जिनके इशारे पर नाचे। हाँ पापा, आपने सही कहा, और मैं कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जाऊंगी। तभी मुझे अचानक खांसी शुरू हुई और उल्टियाँ होने लगी।
शायद लगातार बात करने और रोने की वजह से, परंतु मेरी उल्टी बंद नहीं हुई और मैं चक्कर खाकर गिर गई। मुझे डॉक्टर के पास ले गई। सास ने उसे नौटंकी मात्र ही समझा। मुझे पता चला कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट। सच कहती हूँ, सिर्फ जेठानी ही मुझे बधाई दी, बाकी कोई खुश नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे पति का भी व्यवहार सामान्य रहा। वो वहीं से मायके चली गई। इस बीच में सास ससुर दोनों में से किसी ने एक फोन तक नहीं किया। बस जेठानी छुपकर एक दो बात की है। हाँ, उस समय मेरे पति ने मेरा साथ दिया। तय समय पर मैंने बेटे को जन्म दिया। मेरे पापा ने खुशी से मेरे सास ससुर को कहा कि पोता हुआ है, फिर भी कोई नहीं आया। पर हाँ, मेरे जेठ जी ने कुछ पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए और कहा कि बच्चे के लिए जरूरत की चीजें ले लेना। अब तक तो मायके में ही लगभग पता चल गया था। तो जो मुझे पसंद नहीं था, नहीं करती, वे सब ताने देने लगे। सारी जिंदगी घर बैठे रहे। इतनी जुबान चलाती है, भला ससुराल में कैसे रह पाएगी? कितनी छूट दे रखी है भला? बेटियां इतनी जुबान चलाती हैं, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर माँ के काफी समझाने के बाद मैं शांत हुई। बच्चा 3 महीने का हो गया तो मेरे पति ने कहा चलो अब अपने घर चलते हैं। बच्चे को देखकर मम्मी बाबा की सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। मुझे भी लगा कि हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर दादा दादी बहू को भले ही पसंद ना करें, लेकिन पोते पोती को बहुत प्यार करते हैं। ये सोचकर मैं वापस ससुराल आ गई। परंतु यहाँ पर मेरे सास ससुर मुझसे बात करना तो दूर, बच्ची को भी गोद भी नहीं लिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, रोना आया। हाँ, एक बात बता दूँ, अब तक मेरे हस्बैंड को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ आई। अच्छे से काम नहीं करते थे। बस इसी बात को लेकर मेरे सास ससुर उनसे बहुत नाराज रहने लगे। जब तब सुनाने लगे और एक दिन घर छोड़कर निकल जाने को कहा। मेरे पति को लगा पापा बस यूं ही गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन सच में हमें निकल जाने को कहा। ये रोने लगे कि छोटी बच्ची के साथ कहाँ जाऊंगा। मेरे ससुर जी ने कहा, ये तुम जानो, जहाँ तुम्हारी पत्नी कहे वहाँ जाओ। 6 महीने के बच्चे के साथ मैं घर से निकल गई और एक बार फिर मायके आ गई। अब मेरे हस्बैंड नौकरी ढूंढने लगे और नौकरी का अनुभव नहीं था, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिली। मैं भी करीब 3 साल तक मायके में रह गई। अब तक तो मेरे मम्मी पापा भी परेशान होने लगे थे। बीच में उन्होंने कई नौकरियां पकड़ी और पर कहीं इनका मन नहीं लगा। अंत में जेठ जी को फोन किया, उनसे पैसे मांगे और एक छोटी सी दुकान डाली। मैं भी अब जॉब करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दुकान में भी बरकत होने लगी। बस इसी बीच में दूसरे बच्चों की माँ बन गई। इस बार मेरे सास ससुर को कहा, लेकिन ना तो आया ही और ना ही मुझे बुलाया। इस बार भी सब कुछ मेरी माँ ने संभाला। करीब 1 दशक बाद अब मैं ठीक ठाक जीवन बिता रही हूँ और सब ठीक है। परंतु ससुर की नज़र में मैं बहुत बुरी हूँ और संस्कारहीन बहू ही हूँ। मेरा ससुराल जाना बहुत कम होता है। सास ससुर को बुलवाने के बाद भी जब दोनों मेरे पास नहीं आए, तब मैंने भी बुलाना बंद कर दिया। हाँ, जेठानी से कभी कभी मिलने जाती हूँ। कभी कभी मेरे घर आ जाती हैं। वे मुझे देखते ही रहती हैं। बड़ी हिम्मत वाली है ऋतु। धन्य है तुम्हें, कम से कम तुमने अपना मुंह तो खोला। विरोध तो किया, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है। एक दिन मैंने भी उनसे पूछ लिया, देवी आप उस दिन क्यों रो रही थी? उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया कि जितना तुम्हारे साथ हुआ है उससे कई दुगना मेरे साथ हो चुका है, और तुम्हारे पापा को तो खाना भी खिलाया, मेरे पापा को तो खाना भी नहीं खाने दिया इन सब ने। बस इसी बात को याद करके रो रही थी। तो फिर तुम क्यों इतनी संस्कारी बनी फिरी हो? क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों सबकी इतनी सेवा कर रही हो? तब जेठानी ने कहा, देखो तुम्हारा कहना सही है, पर अब मैं सोचती हूँ कि जब शुरू से ही कुछ कहा, मुंह नहीं खोला, तो अब बोलकर क्या मतलब है?
वैसे भी जब तुमने जवाब दिया तो उसके बाद से तो दोनों काफी शांत हो गए हैं। अब मुझे अपने मन की करने की आज़ादी मिल चुकी है। बहुत धन्य हो तुम दीदी, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। पर हाँ, इतना बड़ा दिल मेरा नहीं हो सकता, सुनकर वे हंसने लगी। अब मैं अपने परिवार में सुखी हूँ, परंतु कभी बीच की बातें याद आती हैं तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। मैं पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट भी हो सकती थी, अपना स्टैंड लेना जानती थी, तब भी मेरे साथ इतना सब हुआ। उन बहुओं के साथ क्या होता होगा जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो अपने लिए नहीं बोल पाती, विरोध नहीं कर पाती हैं, और हाँ, जिसके माँ बाप भी साथ नहीं खड़े होते हैं, वो कितना बर्दाश्त करती होंगी, कितना एडजस्ट करती होंगी, सोचकर ही परेशान हो जाती हूँ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।